हेलो स्टूडेंट्स दिस इज क्लास एट एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर सो स्टूडेंट्स कॉज इन द प्रीवियस वीडियो पार्ट नंबर अबाउट दट इज फ्रिक्शन एंड हियर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एंड आई एक्सप्लेन यू द कॉज ऑफ फ्रिक्शन की जो फ्रिक्शन काज क्या होते हैं तो वॉट कॉज फ्रिक्शन इज इट ड्यू टू पुश और पुल क्या सिर्फ पुशिंग होती है या पुलिंग होती है वो तभी वर्क करता है, जब किसी object को हम लोग move करते है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वाइड फ्रिक्शन अपोज मोशन जो फ्रिक्शन है वो मोशन के अपोज में ही क्यों होता है लेट इस अंडरस्टेंड दिस विथ देल्प ऑफ फॉलोइंग पिक्चर तो हम लोग इससे समझने की कोशिश करते हैं इस जो पिक्चर जो हमें यहाँ पे दी गई है लुक एट दिक्चर बॉक्स इज मूविंग ओवर द सर्फेस तो यहाँ पर एक पिक्चर है जो uh, मतलब कि एक बॉक्स है इसमें से जो बॉल है वो उसे टाई कर दिया गया है ओके okay. और ये बॉक्स के थ्रू ही क्या हो रहा है मोशन हो रहा है इसका ऑब्जर्व द मैग्निफाइड व्यू ऑफ द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ टू सर्फेस तो ये मैग्निफाइड व्यू है हमारा अप्लाइड फोर्स फोर्स यहां से लग रहा है और जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है ओके okay. अब इसे हम लोग रीड करते हैं फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन जो है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है मतलब कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये फ्रिक्शन है वो लगता है इसे क्या बोला जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कि जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई फोर्स दो या दो से ज्यादा के बीच में जो फोर्स लगता है सो दैट्स कॉल्ड द कॉन्टेक्ट फोर्स इट एक्ट्स ओनली व्हेन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव ओवर अ अदर सर्फेस और ये तभी वर्क करता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट वो अपने सर्फेस से मूव होता है ओके जैसे कि ये बॉक्स है ये सर्फेस में रखा हुआ है और इसको यहाँ से अप्लाइड फोर्स यहाँ से लगा रहे हैं और फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है अगर ये यहीं पर सिर्फ रखा रहता तो क्या इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगता ऑफ कोर्स नॉट जब ये मूव होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जब ये जाएगा तब इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू होता है सो इफ यू लुक एट द सर्फेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट हेल्प ऑफ मैगनी मैग्निफाइंग ग्लास यू विल सी दैट द सर्फेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आर नॉट स्मूथ वन क्लोजर इंस्पेक्शन यू कैन सी लॉट ऑफ इेगुलर ऑन देअर सर्फेस These regularities on the surface are like tiny hills and groups. So then one of this object object, moves over another Objects, this irregularities get interlocked विथ वन another. तो जब इसमें मतलब कि अगर देखें यहाँ पे क्या होता है सरफेस में रेगुलरिटीज है मतलब कि जो सरफेस है वो एक जैसी है तो जब जब भी मोशन मतलब कि कोई भी हम लोग फोर्स लगाएंगे तो इसके बीच में कोई भी हर्डल नहीं आएंगे मतलब कि ये जो बॉक्स है वो इजीली क्या हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू आगे बढ़ सकता है बट अगर यहीं पर जो ऑब्जेक्ट है वो इरेग्युलर हो जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स इसके इससे क्या हो जाएगा जो ये बॉक्स है इसको आगे ले जाने में क्या होगा हर्डल पैदा होगा ठीक है जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर अच्छे तरीके से आगे नहीं जा पाएगा सो द मूविंग ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव इजिली यहां से अगर हर्डल्स आ जाएंगी यानी कि जो सरफेस uh, है वो इरेग्युलर हो जाएंगे तो क्या होगा वो ईजिली मूव नहीं हो पाएगा एंड दिस स्लो डाउन द मोशन और इससे जो मोशन है वो भी काफी स्लो डाउन हो जाएगा मतलब की स्पीड काफी कम हो जाएगी सो द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अपोज वेन इट मूव्स ओवर अनदर सरफेस We have to apply some force on the object to make it मूव स्मूथली तो अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट को आगे ले जाना है तो हमको अपोजिट डायरेक्शन से क्या करना पड़ता है उसको फोर्स लगाना पड़ता है ठीक है जैसे कि लुक दिस इमेज अगर ये जो बॉक्स है इसको हमको आगे ले जाना है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन से यहाँ से ये क्या करेगा उसमें फोर्स लगा वो यहाँ पे खड़ा रहता और फोर्स लगाता तो क्या होता है ये जो बॉक्स है ये आगे जाता या फिर यहीं से खड़ा होकर इधर पे फोर्स लगाते तो क्या हो जाता वो उतने इजीली जो बॉक्स है वो मूव नहीं कर पाता डन दैट्स जो भी बॉक्स आपको ले जाना है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन से आपको क्या करना पड़ता है फोर्स लगाना पड़ता है तो होप आप लोग इस पार्ट को समझ गए होंगे सो फ्रिक्शन इज कॉज ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ द सर्फेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच आर कॉन्टेक्ट विद ईच अदर ओके सो यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर सेकंड एंड इफ यू डिट द प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस बेटर अंडरस्टैंड टू दिस सेक्शन ओके जस्ट बिक सो सोन यूल गेट द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेट्स ट्राई वन एंड सोन आई विल सेंड यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर Till and take care, bye bye. And the next part of this chapter, we will uh, will continue to uh, lots of topics, which is factors and affecting frictions and nature of surfaces. So lots of topics are here. Mm, uh, so we will complete in the next part of this chapter. I mean part number three. So till and take care, bye bye.